रानी एक 13 साल की लड़की है जो एक घर में नौकरानी का काम करती है। रानी उठ जा, बहुत काम पड़ा है, बेबी के कपड़े भी धोने हैं। अच्छा बीबी जी। सपना रानी को चाय के साथ कुछ रोटियां खाने के लिए देती है। जल्दी से चाय रोटी खा ले, बहुत सारा काम पड़ा है घर का। रोटी खा के बर्तन धो के साइड पे रख देना, बाकी बर्तनों में नहीं मिलाना। पिंकी बेटा अपना दूध का ग्लास फिनिश करो। बेबी मेरा बेबी सेरेलेक खाएगा। अले ले ले। रानी नाश्ता कर लिया? चल अब रॉकी के बाउल में 2 ब्रेड के पीस और दूध डाल दे, वो बेचारा सुबह से भूखा है। रानी फ्रिज में बेबी के दूध की बोतल रखी है, लेकर आ तो और बेबी का बैग भी उठा ले। पिंकी अपनी डॉली यहीं रख दो, हमको बाहर लंच पर जाना है। वह सब गाड़ी में बैठकर लंच के लिए जाते हैं। रानी गाड़ी की पिछली सीट पर बेबी को लेकर बैठती है। रानी बेबी का ध्यान रख, इधर उधर मत देख। ये बड़ी प्रॉब्लम है, इतने पैसे दो, खाना दो, कपड़े दो, फिर भी काम में ध्यान नहीं लगाते ये लोग। क्या करें, हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं ये लोग। लेडीज जो खाना बच गया है इस बॉक्स में डाल दो, मेड खा लेगी। रानी ले ये खाना खा ले। धन्यवाद बीबी जी। मम्मी मेरी गुड़िया की टांग चबा ली रॉकी ने। रानी तुमको कितनी बार कहा है, बच्चों के खिलौने ठीक से रखा कर, रॉकी को तो जो मिलता है चबा लेता है। अरे मेरी प्यारी बेटी क्यों रो रही है? मेरी डॉल को रॉकी ने चबा लिया पापा। कोई बात नहीं, इस डॉल को फेंक दो, हम अपनी डॉली के लिए इससे भी अच्छी डॉल लेकर आएंगे। पापा के कहने पर पिंकी अपनी डॉल को कूड़ेदान में फेंक देती है। अरे मेरी घड़ी नहीं मिल रही है, शाम को तो टेबल पे रखी थी। तुमको कितनी बार बोला है चीजें ऐसे मत रखा करो, नौकर घर में रहती है। मैं जाकर रानी के सामान में चेक करती हूँ। सपना रानी के सामान को चेक करती है, जहाँ उसे टूटी हुई गुड़िया मिलती है। रानी ये गुड़िया तेरे बिस्तर से निकली है, मेरी घड़ी भी तेरे पास है? नहीं बीबी जी, मैंने तो नहीं देखी। ये गुड़िया भी तो तूने चुराई है? नहीं बीबी जी, ये तो मैंने कूड़ेदान में से उठाई थी खेलने के लिए। खेलने के लिए किससे पूछकर उठाई थी? आज कूड़ेदान में से उठाई है, कल अलमारी से भी उठा लेगी। लेकिन मैंने चोरी नहीं की। खबरदार, जो तूने बिना पूछे कोई चीज उठाई तो चाहे कूड़ेदान से ही क्यों ना हो, समझी? जी बीबी जी। क्या रानी के साथ सपना का व्यवहार उचित है? रानी के साथ सपना का व्यवहार बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमें हर इंसान का पूरा सम्मान करना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या आर्थिक रूप से कमजोर। रानी एक 13 साल की लड़की है जो एक घर में नौकरानी का काम करती है। रानी उठ जा, बहुत काम पड़ा है, बेबी के कपड़े भी धोने हैं। अच्छा बीबी जी। सपना रानी को चाय के साथ कुछ रोटियां खाने के लिए देती है। जल्दी से चाय रोटी खा ले, बहुत सारा काम पड़ा है घर का। रोटी खा के बर्तन धो के साइड पे रख देना, बाकी बर्तनों में नहीं मिलाना। पिंकी बेटा अपना दूध का ग्लास फिनिश करो। बेबी मेरा बेबी सेरेलेक खाएगा। अले ले ले। रानी नाश्ता कर लिया? चल अब रॉकी के बाउल में 2 ब्रेड के पीस और दूध डाल दे, वो बेचारा सुबह से भूखा है। रानी फ्रिज में बेबी के दूध की बोतल रखी है, लेकर आ तो और बेबी का बैग भी उठा ले। पिंकी अपनी डॉली यहीं रख दो, हमको बाहर लंच पर जाना है। वह सब गाड़ी में बैठकर लंच के लिए जाते हैं। रानी गाड़ी की पिछली सीट पर बेबी को लेकर बैठती है। रानी बेबी का ध्यान रख, इधर उधर मत देख। ये बड़ी प्रॉब्लम है, इतने पैसे दो, खाना दो, कपड़े दो, फिर भी काम में ध्यान नहीं लगाते ये लोग। क्या करें, हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं ये लोग। लेडीज जो खाना बच गया है इस बॉक्स में डाल दो, मेड खा लेगी।
रानी ले ये खाना खा ले। धन्यवाद बीबी जी। मम्मी मेरी गुड़िया की टांग चबा ली रॉकी ने। रानी तुमको कितनी बार कहा है बच्चों के खिलौने ठीक से रखा कर, रॉकी को तो जो मिलता है चबा लेता है। अरे मेरी प्यारी बेटी क्यों रो रही है? मेरी डॉल को रॉकी ने चबा लिया पापा। कोई बात नहीं, इस डॉल को फेंक दो, हम अपनी डॉली के लिए इससे भी अच्छी डॉल लेकर आएंगे। पापा के कहने पर पिंकी अपनी डॉल को कूड़ेदान में फेंक देती है। अरे मेरी घड़ी नहीं मिल रही है, शाम को तो टेबल पे रखी थी। तुमको कितनी बार बोला है चीजें ऐसे मत रखा करो, नौकर घर में रहती है। मैं जाकर रानी के सामान में चेक करती हूँ। सपना रानी के सामान को चेक करती है जहाँ उसे टूटी हुई गुड़िया मिलती है। रानी ये गुड़िया तेरे बिस्तर से निकली है, मेरी घड़ी भी तेरे पास है? नहीं बीबी जी, मैंने तो नहीं देखी। ये गुड़िया भी तो तूने चुराई है? नहीं बीबी जी, ये तो मैंने कूड़ेदान में से उठाई थी खेलने के लिए। खेलने के लिए किससे पूछकर उठाई थी? आज कूड़ेदान में से उठाई है, कल अलमारी से भी उठा लेगी। लेकिन मैंने चोरी नहीं की। खबरदार, जो तूने बिना पूछे कोई चीज उठाई तो चाहे कूड़ेदान से ही क्यों ना हो, समझी? जी बीबी जी। क्या रानी के साथ सपना का व्यवहार उचित है? रानी के साथ सपना का व्यवहार बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमें हर इंसान का पूरा सम्मान करना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या आर्थिक रूप से कमजोर। रानी एक 13 साल की लड़की है जो एक घर में नौकरानी का काम करती है। रानी उठ जा, बहुत काम पड़ा है, बेबी के कपड़े भी धोने हैं। अच्छा बीबी जी। सपना रानी को चाय के साथ कुछ रोटियां खाने के लिए देती है। जल्दी से चाय रोटी खा ले, बहुत सारा काम पड़ा है घर का। रोटी खा के बर्तन धो के साइड पे रख देना, बाकी बर्तनों में नहीं मिलाना। पिंकी बेटा अपना दूध का ग्लास फिनिश करो। बेबी मेरा बेबी सेरेलेक खाएगा, ओले ले ले। रानी नाश्ता कर लिया? चल अब रॉकी के बाउल में 2 ब्रेड के पीस और दूध डाल दे, वो बेचारा सुबह से भूखा है। रानी फ्रिज में बेबी के दूध की बोतल रखी है, लेकर आ तो और बेबी का बैग भी उठा ले। पिंकी अपनी डॉली यहीं रख दो, हमको बाहर लंच पर जाना है। वह सब गाड़ी में बैठकर लंच के लिए जाते हैं। रानी गाड़ी की पिछली सीट पर बेबी को लेकर बैठती है। रानी बेबी का ध्यान रख, इधर उधर मत देख। ये बड़ी प्रॉब्लम है, इतने पैसे दो खाना दो कपड़े दो फिर भी काम में ध्यान नहीं लगाते ये लोग। क्या करें, हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं ये लोग। लेडीज जो खाना बच गया है इस बॉक्स में डाल दो, मेड खा लेगी। रानी ले ये खाना खा ले। धन्यवाद बीबी जी। मम्मी मेरी गुड़िया की टांग चबा ली रॉकी ने। रानी तुमको कितनी बार कहा है बच्चों के खिलौने ठीक से रखा कर, रॉकी को तो जो मिलता है चबा लेता है। अरे मेरी प्यारी बेटी क्यों रो रही है? मेरी डॉल को रॉकी ने चबा लिया पापा। कोई बात नहीं, इस डॉल को फेंक दो, हम अपनी डॉली के लिए इससे भी अच्छी डॉल लेकर आएंगे। पापा के कहने पर पिंकी अपनी डॉल को कूड़ेदान में फेंक देती है। अरे मेरी घड़ी नहीं मिल रही है, शाम को तो टेबल पे रखी थी। तुमको कितनी बार बोला है चीजें ऐसे मत रखा करो, नौकर घर में रहती है। मैं जाकर रानी के सामान में चेक करती हूँ। सपना रानी के सामान को चेक करती है जहाँ उसे टूटी हुई गुड़िया मिलती है। रानी ये गुड़िया तेरे बिस्तर से निकली है, मेरी घड़ी भी तेरे पास है? नहीं बीबी जी, मैंने तो नहीं देखी। ये गुड़िया भी तो तूने चुराई है? नहीं बीबी जी, ये तो मैंने कूड़ेदान में से उठाई थी खेलने के लिए। खेलने के लिए किससे पूछकर उठाई थी? आज कूड़ेदान में से उठाई है, कल अलमारी से भी उठा लेगी। लेकिन मैंने चोरी नहीं की। खबरदार, जो तूने बिना पूछे कोई चीज उठाई तो
चाहे कूड़ेदान से ही क्यों ना हो, समझी? जी बीबी जी। रानी के साथ सपना का व्यवहार बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमें हर इंसान का पूरा सम्मान करना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या आर्थिक रूप से कमजोर।